हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रमेश महतो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 21 जून और इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण योगासन तथा प्राणायाम के लाभकारी फायदों तथा उसे किस प्रकार सही तरीके से किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें, तो चलिए शुरू करते हैं। कपालभाति। वन सेकेंड, वन स्टॉप, दिस इज द सेफ प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति प्राणायाम। जो यंगस्टर्स हैं, कोई जवान तेजी से भी करना चाहे तो कर सकता है। भ्रामरी, पहले उंगली माथे पर रखी है सिर, शेष तीन उंगली से आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद और ऐसे नाद होगा। ये भ्रामरी प्राणायाम। अब करेंगे अनुलोम विलोम। क्या करेंगे, जोर से बोलिए। तो आइए, दाएं हाथ उठाएंगे, दाएं हाथ की अंगूठे को नाक पर लगाएंगे। दाएं हाथ उठा करके दाएं हाथ की अंगूठे को नाक पर लगाएंगे। बाएं नाक से श्वास को अंदर लेंगे, स्टार्टिंग लेफ्ट से करते हैं। अब पहले अंगुली को अंगूठे के मूल में लगाया हुआ है, इसको वायु मुद्रा कहते हैं ऐसे। अब बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ देना, फिर दाएं से लेंगे, कंटिन्यू करना इसको। ताड़ासन से प्रारंभ करते हैं, दोनों हाथ पार्श्व भागों से उठाते हैं। जब कंधों तक हाथ आएंगे तो हथेलियां नीचे की ओर, जब कंधों से ऊपर हाथ जाएंगे तो हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, और इस तरह से दोनों हाथ सिर के ऊपर आ जाएंगे। तो पहले हमने ताड़ासन किया, श्वास अंदर भरा, श्वास हमेशा फेफड़ों में भरते हैं। इसको वैज्ञानिक भाषा में, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में, थोरैसिक ब्रीदिंग अप टू डायफ्राम ऐसा बोला जाता है। हाथ पूरे ऊपर तान, दोनों हाथ कानों से लगे हुए, सिर से लगे हुए, एड़ियां ऊपर उठ जाती हैं, पंजों पर पूरा भार। चेहरे की सामान्य स्थिति, सहजता, प्रसन्नता चेहरे पर, मन में एकाग्रता, दोनों हाथ कानों से लगे हुए, सिर से लगे हुए, हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर, पूरा शरीर ऊपर की ओर तना हुआ, फिर धीरे धीरे नीचे आते। ये एक बार किया, फिर दूसरी बार ऐसे ही। वापस आते समय ऐसे ही धीरे धीरे वापस आए, एड़ियां नीचे हो जाए, फिर हाथों को वापस लाएंगे तो भी ऐसे ही, हाथों की हथेलियां नीचे की ओर और हाथ पार्श्व भागों में ऐसे आते। ये ताड़ासन हुआ। तिर्यक ताड़ासन, ये बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए,
लैग्स के मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे ही हाथ गए पार्श्व भागों से हथेलियाँ नीचे की ओर, जैसे ही कंधों के बराबर हाथ गए तो हथेलियाँ ऊपर की ओर। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेते हैं, सिर के ऊपर दोनों हाथों को रख लिया। अब हाथों को ऊपर की ओर तान दिया, दोनों पैरों में फासला, तिर्यक ताड़ासन के लिए दोनों पैरों में अंतर डिस्टेंस, दोनों हाथ ऊपर तने हुए। श्वास अंदर भर के साइड में झुकेंगे पार्श्व भाग में, पहले दाहिनी ओर से प्रारंभ करते हैं कोई भी अभ्यास। ऐसे कोहनियाँ सीधी रहें, पैर भी सीधे हैं, कमर से झुक रहे हैं ऐसे पार्श्व भाग, ना ऐसे आगे की ओर झुकना है ना बहुत अधिक पीछे की ओर झुकना है, पार्श्व भाग में। एक स्थिति में आकर के श्वासों की गति सामान्य हो जाए, अथवा श्वास रोक करके भी रख सकते हैं, फिर बीच में आ जाते हैं, फिर श्वास अंदर भरते हैं और दूसरी ओर से हाथ पूरे तने हुए, पैर भी पूरे सीधे, पार्श्व भाग में पूरे झुक गए। चेहरे पर सहजता, फिर दोनों हाथों के हथेले नीचे की ओर लेते हुए हाथ ऐसे नीचे ले आते, पार्श्व भागों से बगल से साइड से नीचे ले आते। ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन। दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर की जगह से लगाएंगे, आसन का नाम है वृक्षासन। दाएं ओर से शुरू करते हैं जिससे कि एक रूपता बनी रहे। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि दाएं से ही क्यों प्रारंभ करना, तो फिर बाएं से करेंगे तो आप पूछेंगे बाएं से ही क्यों करना, तो एक रूपता के लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए। दाएं से प्रारंभ किया, दाहिने पैर की एड़ी को ऊपर की ओर रखा, पंजे को नीचे की ओर, बाई जंघा से लगा हुआ पैर, दोनों हाथ पार्श्व भागों से धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों की हथेलियों को मिला दें। श्वास अंदर रोक करके भी रख सकते हैं और श्वासों की गति सामान्य भी रख सकते हैं। संतुलन बनाइए, फिर बाएं पैर से करेंगे, बाएं पैर को उठाइए, बाएं पैर की एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर, बाएं पैर का पंजा दाहिनी पैर की जंघा से लगा हुआ, दोनों हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर उठाएंगे श्वास अंदर भरते हुए, कि हथेलियां आपस में मिली हुई, अंगूठे से अंगूठा, अंगुलियों से अंगुलियां, ऐसे एक आदर्श स्थिति में पूरा शरीर। इसमें हाथ ऐसे नहीं रहने चाहिए, हाथ ऐसे ही रहने चाहिए सबके, खुले हुए हाथ नहीं। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक किया और ये बुढ़ापे से बचने का उपाय है। अब धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाया और संतुलन करके ऐसे पूरे पैर सीधे कर दिए, अंगूठे से अंगूठा, एड़ी से एड़ी ऐसे मिली हुई और सहजता पूर्वक शीर्षासन। ऐसे एक से लेकर के दो मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे देखिए ऐसे पैर वापस आते हैं, ऐसे। सर्वांगासन बच्चों और विद्यार्थियों के लिए और युवाओं के लिए खास अभ्यास है। दोनों पैर पास में सीधे, दोनों हाथ
की हथेलियां जमीन की ओर, दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाते हैं। पहले 90 डिग्री पर, फिर 160 डिग्री पर, दोनों हाथ कमर के पीछे लग जाते हैं, घुटने सीधे होते हैं, एड़ी से एड़ी मिली हुई, अंगूठी से अंगूठा मिला हुआ, श्वासों की गति सामान्य, कोहनी, कंधे और सिर पर शरीर के भार को संतुलित करते हैं। ऐसे इस शरीर का भार संतुलित होता है। एक अभ्यास को आधा मिनट से लेकर के 2 मिनट तक किया जा सकता है। रोग विशेष में इससे भी अधिक समय दिया जा सकता है एक एक आसन को। किसी भी आसन का लाभ तभी होगा जब कम से कम आधा मिनट उस आसन का अभ्यास किया जाए। शीर्षासन और सर्वांगासन दोनों ही आसनों के बाद थोड़ी देर के लिए शवासन अथवा सीधे खड़े होना कम से कम 10-20 सेकंड के लिए, वह शरीर के संतुलन के लिए, ऊर्जा के संतुलन के लिए आवश्यक है। अब दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथ कैथिनिया जमीन की ओर, श्वास अंदर भर के पैरों को उठाएंगे, पहले 30, फिर 60, फिर 90, फिर 160 और फिर पीछे टिका देंगे 180 डिग्री पर। घुटने सीधे रहे, अंगूठे जमीन पर टिक जाते ऐसे। फिर वापस आ जाते हैं, घुटने सीधे ही रखते हैं। अर्ध चक्रासन बैकवर्ड बेंडिंग के लिए ऐसे पीछे की तरफ हाथ रखे, चक्कर मता नहीं आना चाहिए, आइस को ओपन करके करें। इतनी थोड़ी देर रुकना है ऐसे, फिर वापस आ जाना, रिलैक्स। पैरों में लगभग 4 इंच का फासला, ज्यादा नहीं, उससे संतुलन बना रहता है शरीर का। अब दोनों हाथ पार ऐसे साइड पार्श्व भागों में सामने जाएंगे कंधों के बराबर जब बैठेंगे तब, और एड़ियों से थोड़ा ऊपर अधर थोड़ा रुकेंगे, एक एड़ियों पर बैठना है, थोड़ा सा अधर, दोनों हाथ कंधों के समानांतर ऐसे, दो। बैठक जो है वो पैरों को बहुत मजबूत बनाते, 100 साल तक अपने पैर अपना साथ दे, नहीं तो घुटने कमर शरीर के अलग अलग हिस्से अपना साथ छोड़ देते हैं, कमजोर हो जाते हैं, वो नहीं होना। इस वीडियो में इतना ही। अगर इन योगासन तथा प्राणायाम से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मेरे इंस्टाग्राम आईडी में डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप पतंजलि के अन्य किसी प्रोडक्ट का रिव्यू वीडियो जल्द चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। इसी तरह के हेल्थ से रिलेटेड और भी वीडियोज़ लगातार पाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में। योग करें, निरोग तथा स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।